लखनऊ का रुख करते हैं क्योंकि यूपी में भी निकाय चुनाव के रिजल्ट आने लगे हैं। 14 निगमों में बीजेपी की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। बसपा 2 पर आ गया और सपा 0 पर सिमट चुकी है। झांसी में भाजपा जीत गई है। हमारे साथ सहयोगी अहतेशाम जुड़ चुके हैं। अहतेशाम, भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जख्म मिला है कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, तो वही निकाय चुनाव से भरपाई होती हुई नजर आ रही है। 14 निगम में बीजेपी जीत की ओर। याद है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है, क्योंकि ज्यादातर सीटें उन्हीं के पास थी। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम की सीट है और जो परिणाम आ रहे हैं उसमें 16 में भारतीय जनता पार्टी की फतह हासिल हो रही है और एक सीट है जो आगरा पे, जहां बहुजन समाज पार्टी विजयी हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि कर्नाटक चुनाव का असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी का कोई नेता इस पूरे मामले में बोलना नहीं चाह रहा है। उसका जश्न तब दोगुना होता जब वो कर्नाटक में फतह हासिल करके आते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में धुआंधार प्रचार प्रसार किया था। वो बकायदा भारतीय जनता पार्टी के उन लेटरों में शामिल हो गए जिनकी डिमांड होती रही है, और अपनी पॉलिसी और अपनी बुलडोजर और अपनी माफिया नीति के तहत उन्होंने बकायदा वहां रोड शो किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन उसके बावजूद अच्छे परिणाम नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं निराशा हाथ जरूर लगी है। हाँ, सरकार ने यहां पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोहराया और विजय हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी सेकंड पोजिशन पर रही है, काफी कम अंतरों से हार जीत हुई है। लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं रहा। नकली निकाय चुनाव शहरी वो वोटर होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 30% तक वोटिंग हुई है। ऐसे में 30% वोटिंग में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर दी है। यही हालत है कि दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के सभी नगर निगमों का जो परिणाम है धीरे धीरे सामने आ गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही 2 से 3 बजे तक सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इतना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान जब से लिए तब से बीजेपी के परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता जा रहा है। लेकिन आज बीजेपी का जश्न तब दुगना होता जब वो कर्नाटक में विजय हासिल करते। कर्नाटक का गम बीजेपी को इतना सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर भी कोई बड़े नेता नहीं जा रहे हैं और न ही इस पूरे मामले में वो बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम जहां तक अपनी जीत की बात करेंगे तो वहीं मीडिया कर्नाटक के जख्म को छेड़ देगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि उसके केंद्रीय नेता इस पर बोल नहीं रहे, लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी बोलने से वो बच रही। हां, जीत जरूर हुई है लेकिन वो खुशियां भी नहीं मना पा रही है। जी बिल्कुल अहतेशाम, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जीत जरूर हुई है लेकिन किरकिरी से नजर आ रही है। लेकिन दूसरी पार्टियों का अगर यहां पर जिक्र करें, बसपा का जिक्र करें, खराब परफॉर्मेंस, सपा 0 पर सिमट चुकी है, झांसी में भी भाजपा ने बढ़त बना ली है, लेकिन इन चीजों को लेकर के अगर सपा के परफॉर्मेंस की बात करें, अखिलेश यादव कई बार जीत का दम भर रहे थे इन चुनावों के लिए भी, 2 चरणों में हुए लेकिन 0 पर सिमट चुकी है। कार्यकर्ता अब इस चीज पर क्या रुख रख रहे हैं सपा के इस खराब परफॉर्मेंस पर? अहतेशाम, देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ की हार को छिपाते हुए उन्होंने अब कर्नाटक की तरफ रुख किया और कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का मन बदल चुका है, वो बहुत बदलाव कर रही है, हमारा मिशन 2024 है। अगर हम बात करें नगरीय निकाय चुनाव का, तो ये चुनाव बहुत ही डिफरेंट तरीके से लड़ा जाता है। और जो शहर में जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहर में जीतती आई है, उसकी सीटें हमेशा पहले से रही हैं। समाजवादी पार्टी ने दम जरूर भरा था लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। हाँ, ये जरूर समाजवादी पार्टी के कई जिलों में कई बूथों पर लोगों ये इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशासनिक अमले उन्हें रिजल्ट नहीं बता रहे, हर राउंड की काउंटिंग नहीं बता रहे, यहां तक कि लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन जीत तो जीत होती है, हार तो हार होती है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह मंथन करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी में ऐसी क्या चीज है, क्या ऐसी पॉलिसी की वो जनता से जुड़ी है। वोट परसेंटेज जरूर कम हुआ है लेकिन उसी वोट परसेंटेज कम परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है। अगर आज कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी जीतती तो यूपी में जश्न का माहौल देखने को मिलता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी जश्न का माहौल नहीं मना रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी यह साफ तौर से निर्देश कल रात जारी कर दिया था, किसी भी प्रत्याशी, किसी भी राजनीतिक दल को प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालने, आतिशबाजी करने और जीत का हल्लोहाज उत्साह मनाने की इजाजत नहीं दी जाती। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी है, आचार संहिता लगी है। ऐसे में जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत शांतिपूर्वक आ रहे हैं और धीरे धीरे 1.5 घंटे में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की सभी सीटों का रुझान एकदम साफ क्लियर तब्दील हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से
में जब बड़ी मेजोरिटी में सीट लेके आई थी और इस बार भी उसे कामयाबी हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सिर्फ संतोष करना पड़ा। कांग्रेस इस गम को इस वजह से बुला ले रही, कर्नाटक में उसकी जीत हुई है। तो राजनीतिक परिदृश्य में ये देखा जाए, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ी है, जीत हासिल की है, उस हिसाब से वो जश्न नहीं मना पा रही, क्योंकि उसके गले के नीचे कर्नाटक चुनाव की हार उतर नहीं रही है। जी बिल्कुल अतिश्याम, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आने वाले दिनों में यही कहीं ना कहीं जनता के मूड को डिसाइड करती हुई तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनावों से तो अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक का अगर रुख करते हैं तो फिर भी अगर खुशी नहीं मना पा रहे, कहीं ना कहीं सोचनीय विषय। बहुत बहुत शुक्रिया अतिश्याम पूरी जानकारी के लिए।